हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टेम्पलेट यानी कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट कैसे यूज करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और आज के इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट का डेटाबेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ है और इन टेम्पलेट्स का यूज करके आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये डेटाबेस कैसे डिजाइन होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन हमने ओपन किया है, ठीक है। 2007 वर्जन में जितने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप टेम्पलेट्स के लिए ऑनलाइन भी जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हमें कॉन्टैक्ट का डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, दैट क्योंकि हम ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन जैसे ही हम होंगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए हम ऑनलाइन हो चुके हैं। अब यहां से कॉन्टैक्ट पर करता हूं क्लिक और यहां से अब क्रिएट पर करता हूं क्लिक, तो ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है जो कॉन्टैक्ट का डेटाबेस है, ठीक है। अब ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये किस तरह से आया हुआ है। ये बन चुका है डेटाबेस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है। यहां पर जाता हूं तो न्यू कॉन्टैक्ट हमें फाइल मिल जाएगी, यहां पे हम पूरा न्यू कॉन्टैक्ट का डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आता हूं तो यहां पे ऐड आउटलुक, आउटलुक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, यहां पे मेलिंग लेबल्स ऐड कर सकते हैं। सो हाइड फील्ड बना हुआ है, यहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम, और यहां पे कंपनी, यहां पे इस तरह से ड्रॉप डाउन भी बना हुआ है जो आपके टाइटल दे सकते हैं, क्या टाइटल है, पर्सनल है, बिजनेस है, फैमिली है, उसके हिसाब से यहां आ सकते हैं। इस तरह से ये कॉन्टैक्ट का डेटाबेस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। यहां पे इनेबल कंटेंट, इस पर टिक रखना है आपको और गेट स्टार्टेड, तो यहां इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट की टेबल बनाई गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेटिंग के लिए बनाया गया है, तो सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं यस और नो डेटा टाइप मैंने बताया था उसका प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर एक बनाया गया है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ डिजाइन व्यू पे लेकर के। ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जाकर के आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं। यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाया गया है और इसके साथ इस नल फॉर्मूला भी यूज हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए यहां पे राइट क्लिक करके इसे जूम व्यू पे लेके दिखाता हूं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। और फिर ये कॉन्टैक्ट नेम में भी ये फॉर्मूला कुछ इसी तरह से यूज किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे कॉन्टैक्ट, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। इसके बाद फिर यहां पर आते हैं तो ये फॉर्म है हमारा, तो फॉर्म तो आप जानते ही हैं कैसे डिजाइन किया जाता है। फिर इसमें ड्रॉप डाउन ये बनी हुई है यहां से, ठीक है, और इस तरीके से। और फिर यहां पर रिपोर्ट, रिपोर्ट की बात की गई है, तो यहां पर डबल क्लिक करते ही रिपोर्ट। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।